टॉपिक रहेगा वो रहेगा फायर एंड सेफ्टी। क्या रहेगा? एस से आवाज निकालो, उसे बोलो फायर, एस से बोलो ना फायर एंड सेफ्टी। क्या तुम बोलो यार, पीछे वाला बोल रहा, बोलो फायर, बोलो फायर एंड सेफ्टी, ऐसा बोल रहे आप लोग। बोलिए फायर एंड सेफ्टी, इसका हिंदी होता है। देखिए जो हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर पॉइंट है, फायर पॉइंट किधर है आप लोग को पता है? फायर पॉइंट नहीं पता, एक महीना हो गया काम करते हुए। फायर पॉइंट देखेंगे वो पेड़ है ना, एक पेड़ के उस तरफ रखा है और एक ट्रैप मशीन के उस तरफ है। एक नया बनवा रहा हूँ और उधर एक बेंटोनाइट टैंक के उस तरफ है और एक टीवी के पास है। फायर पॉइंट को पहचानने का तरीका क्या है? ऊपर से छतरी लगा रहेगा, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं उसके लिए बोल रहा हूँ, ऊपर से छतरी लगा रहेगा और दो जो है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको आप लोग फायर बाटला बोलते हो ना, ऐसा बड़ा बड़ा रहता है, उसी वस्तु वाला बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा सा उसमें लगा रहता है पाइप और जो है लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें दो जो है फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा और दो जो है फायर का बकेट रहेगा, इसमें बालू रहता है। क्या रहता है? बालू, राइट है ना, सूखा बालू। वो हो गया फायर पॉइंट। और फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे इन मशीन में, इन मशीनों में, उन मशीनों में, जेसीबी में। इधर ही देख लीजिए वो है ना गैस कटिंग सेट, उसमें भी है ना, इधर भी आग लगने की संभावना है उधर भी। और साइड पे हर 30 मीटर के अबव में एक हमारे पास फायर पॉइंट रहना चाहिए, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो उस आग पे काबू पाने के लिए हम जो है उस फायर पॉइंट और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकें, है कि नहीं? तो देखिए फायर एंड से आग कैसे लगता, पहले आग की बात करें, आग कैसे लगता है, जाहिर सी बात है अगर चार चीज़ें ऐसी हैं जो अगर एक साथ होगी तो आग लग जाए। क्या क्या? पहला तो माचिस जलाते हैं ना, माचिस की तीली में जो रोगन लगता है, क्या रहता है मसाला ना, उसी को ईंधन भी बोला जाता है, उसी को ईंधन भी बोला जाता है, मटेरियल होगा जलने वाला चीज़, इग्नाइट होने वाला चीज़ है ना। और माचिस के डिब्बे पे क्या रहता है, वो भी रोगन रहता है, वो दोनों के बीच घर्षण होता है, दोनों के बीच घर्षण होता है, ऐसे रगड़ते हैं ना। क्या किया? जब घर्षण हुआ तो हीट पैदा हुआ तो वो जो आपका ईंधन था, क्या जो माचिस की तीली में आगे लगा था, वो दोनों एक हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन हर जगह, हवा हर जगह, ये तीन हो गया। और फिर ये तीनों मिल के एक हो गया, क्या हो गया? तीनों मिल के एक हो गया, मतलब चैन रिएक्शन कर गया, मतलब चार कारण हो गए, चैन रिएक्शन हो गया ना, मतलब माचिस की तीली थी। और एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमको एक वो जलाना है, आग जलाना है, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या हो गया? ईंधन हो गया है ना, फ्यूल हो गया, ठीक है, ईंधन हो गया लकड़ी। और हम लाइटर रखते हैं, लाइटर में आग पैदा होता है ना, लाइटर आग पैदा करेगा, तो क्या होगा? हवा चारों तरफ है, हवा हो गया, ईंधन हो गया और हीट हो गया, ये तीन चीज हो गए। हवा चारों तरफ है, हवा को हटा नहीं सकेंगे, तो जब वो लकड़ी में लाइटर लगाएंगे तो तीनों क्या होगा, आपस में चैन रिएक्शन कर जाएगा, है ना। तो चैन रिएक्शन हुआ तो चार चीज़ें हो गए, जैसे एक रूम में एक आपका एलपीजी सिलेंडर रखा है, चारों तरफ हवा है ही तो हो गया। और एक तरफ हम माचिस जला दें, एक तरफ माचिस जला दें, तीनों एक होकर क्या होता है, इग्नाइट कर जाएगा, आग लग जाएगा, चैन रिएक्शन उसी को बोलते हैं, है ना। अगर इन तीनों में जो हवा, आग और ईंधन में, इन जो है तीनों में हम केवल दो चीज़ को अलग अलग कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? दो चीज़ को अलग कर सकते हैं, क्या? एक तो पेट्रोल को अलग कर सकते हैं और
एक तो आग को अलग कर सकते हैं, है ना। हवा तो हर जगह है, सांस ले रहे हैं तो हवा है ना, इधर जा रहे हैं तो हवा, इधर जा रहे हैं तो हवा, है कि नहीं।